अल्लाह एवरी वन दिस इज़ यस्ट इंजीनियर एसेंस एजाद एंड टूडे वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डी एस जी टॉक्स टुडे वी हैवे वेरी स्पेशल गेस्टर्स ही इज़ डिप्टी मैनेजर फाइनेंस आमिर Ayaz. जैसे कि आपको पता है कि आज का जो टॉपिक था हम लोगों का वो बहुत इंपॉर्टेंट था रिगार्डिंग सोलर फाइनेंसिंग के सोलर फाइनेंसिंग है क्या उसके बेनिफिट्स क्या हैं डिफरेंट स्केल्स पे किस तरीके से वो काम करती है और उसको सबसे इंपॉर्टेंटली कि हम लोग इनिशिएट किस तरीके से करते हैं किस प्रोसेस से गुजर के हम लोग फाइनेंसिंग के उस फाइनल पार्ट तक आते हैं कि बैंक हम लोगों के साथ लाइजेंट में आता है और हम लोग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करके उसको कंप्लीट करते हैं तो उस सारी डिस्कशन के लिए आज हम लोगों ने हमारे डिप्टी मैनेजर जो फाइनेंस है उनका टाइम उनसे हम लोगों ने लिया था स्पेशली तो आमिर साहब कैसे हैं आप अल्हदल्ला जी ठीक है पहले तो बहुत शुक्रिया आपने आज हमें इस काबिल समझा कि आपने हमें चले अच्छा आप मुझे थोड़ा सा जरा एक्सप्लेन करें कि बेसिकली ग्रीन फाइनेंसिंग स्कीम है क्या अच्छा ग्रीन फाइनेंसिंग स्कीम बेसिकली इसी तरह है कि जिस तरह कोई भी कंपनी या कोई भी डोमेस्टिक पर्सन कोई भी इंडिविजुअल कोई भी फाइनेंसिंग चीज़ फाइनेंसिंग का केस एक अंडरटेक uh, करता है फ्रॉम अ बैंक लेट्स से यू वांट टू बाय अ कार और उसके लिए आपके पास इनिशियली 100 परसेंट पेमेंट अवेलेबल नहीं है तो वॉट डू डू यू इधर सेफ फॉर दैट उसके लिए यू डोंट नो हाउ मच टाइम वुड बी रिक्वायर्ड तो आप करते क्या हैं कि आप बैंक के पास जाते हैं एंड यू आस्क फॉर अ लोन ठीक है तो लोन बेसिकली एक लेमेंट टर्म है इसको हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट से हम कहेंगे कि दिस इज अ फाइनेंसिंग केस ठीक हो, हो।, हो गया तो अब जिस तरह नॉर्मल किसी भी सिनेरियो में एक बंदा किसी बैंक के पास जाएगा और उनसे लोन लेगा उनसे फाइनेंसिंग केस अप्रूव करवाएगा अपनी किसी भी ज़रूरत के लिए घर के लिए गाड़ी के लिए इसी तरह कंपनीज इनको यूज़ करती हैं अपने नॉर्मल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के लिए या उसके अलावा उन्होंने कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करना हो उन्होंने कोई बिल्डिंग बनानी हो कोई प्लांट लेना हो तो इस तरह के फाइनेंसिंग के केसेस जो हैं वो बहुत कॉमन हैं और आ, उन पे नॉर्मली क्या होता है कि लोन की एक बेसिक जो वर्किंग है वो इस तरह से है कि एक प्रिंसिपल अमाउंट होती है और उसके ऊपर एक इंटरेस्ट रेट लगता है ओवर द पीरियड और वो इंटरेस्ट रेट जो है वो सॉर्ट ऑफ आपकी फाइनेंसिंग की कॉस्ट होती है तो अब स्टेट बैंक ग्रीन फाइनेंसिंग स्कीम क्या है कि ये एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंसिंग की स्कीम है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से इंट्रोड्यूस की गई है इसका मकसद सारा ये है कि आप पाकिस्तान में आ, सोलर और दूसर दूसरे जो हैं रीनीबल एनर्जी के सोसेज उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर उनकी इंस्टॉलेशन और इन चीज़ों को सपोर्ट करें कि फ़ॉर एग्जांपल कहीं पे भी कोई कंपनी है कोई इंडिविजुअल है जो रीनीूबल्स में इन्वेस्ट करना चाहता है जैसे कि आपको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट जो है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है ओवर द पीरियड और उसके अलावा आपकी जो अदर देन वापडा या अदर देन जो मेन पावर लाइंस होती हैं जो कंट्री की तरफ से प्रोवाइडेड होती हैं उनकी कॉस्ट भी बहुत हाई होती हैं फॉर एग्जांपल कोई कंपनी अगर फर्नेस के तौर पे कोई आ, फ्यूल बर्न करके कोई एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है तो उसकी कॉस्ट भी बहुत हाई होगी तो उसमें एक ऑप्शन ये आ जाती है कि सोलर एनर्जी विंड एनर्जी रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ आते हैं लोग उसकी तरफ आते बेसिकली इसीलिए हैं क्योंकि इट्स अ नेवर एंडिंग रिसोर्स Uh, सूरज जो है वो अलहमदिल्ला रोज़ निकलता है और रोज़ गरूब होता है और इसी तरह हवाएँ चलती हैं और इसी तरह अगर करंट से कोई सीम है कोई oh. uh, रीन्यूबल्स का प्रोजेक्ट लगता है तो करंट्स विल ऑलवेज़ बी देयर तो इसमें क्या होता है कि जी uh, कोई भी कंपनी या कोई भी इंडिविजुअल अगर इससे फ़ायदा उठाना चाहता है तो वो इससे फ़ायदा उठा सकता है इस स्कीम के अंडर और उसमें उनको ये होगा कि एक तो उनकी कॉस्ट कटिंग होगी और उसके अलावा ऐसे है कि ये रिसोर्स जो हैं दीज़ आर नॉट पेरिशेबल जिस तरह आपके फ्यूल वगैरह है और आपकी जो हाइड्रल पावर है उनके ड्रॉबैक्स आते हैं ओवर द तो पीरियड कुछ चीज़ें पैरिश हो जाती हैं वो डिप्रिशिएट होती हैं सोलर सूरज कहीं नहीं जा रहा और इसी तरह हवा कहीं नहीं जा रही पानी कहीं नहीं जा रहा तो अगर हम इन चीज़ों को यूज़ करें तो आ, इनका हमें फ़ायदा होता है इस सब को फैसिलिटेट करने के लिए स्टेट बैंक की तरफ से ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि रिनीबल्स की कैपेक्स को वो फाइनेंस करते हैं इसको थोड़ा सा इसकी जो ग्रीन फाइनेंसिंग होती है इसमें मेरे कल वगैरह का भी एक स्पेसिफिक उन्होंने रखा हुआ है थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करें कि वो कितना को होता है और वो किस तरीके से इंप्लीमेंट होता है बिल्कुल ठीक है अच्छा इसमें बेसिकली होता ऐसे है कि नॉर्मली कोई भी लोन कोई भी फाइनेंसिंग केस जिस तरह मैंने भी पहले एक्सप्लेन किया कोई भी फाइनेंसिंग केस अप्रूव होता है कोई भी फाइनेंसिंग केस चल रहा होता है तो उसके पीछे एक बेस रेट होता है वही जो मैंने फाइनेंस कॉस्ट अभी एक्सप्लेन की फाइनेंस कॉस्ट का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक इंटर बैंक रेट होता है जो कंपनी में चल रहा होता है विच इज़ यूजली रेगुलेटेड बाय द स्टेट बैंक ऑफ एनी कंट्री ठीक हो गया uh, जिस तरह पाकिस्तान का काइबर है इसी तरह लाइबर है और मुख्तु कंट्रीज़ का उस तरह से एक स्टैंडर्ड रेट होता है जो इंटर बैंक ट्रांजेक्शन्स के लिए एप्लीकेबल होता है और जो कॉमन इंडिविजुअल को या बैंक के परस्पेक्टिव से कंज्यूमर को जो फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाती है उसमें जो मार्कअप्स चार्ज किए जाते हैं दोज़ आर बेसिकली दिस बेस रेट प्लस स्प्रेड अमाउंट वो स्प्रेड अमाउंट जो होती है वो बेसिकली बैंक की अपनी अर्निंग होती है अब स्टेट uh, बैंक ने इस स्पेसिफिक स्कीम के अंदर किया ये है कि बिकॉज जैसे अभी मैंने डिस्कस किया ये एक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं एक तो ग्रीन एनवायरनमेंट को सपोर्ट करेंगे उसके अलावा कॉस्ट कटिंग करेंगे आ, आपकी जो कंट्री की एनर्जी प्रोविजन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन पर थोड़ा लोड कम करेंगी ये चीज़ें तो स्टेट बैंक ने किया ये कि दे फिक्स्ड सर्टन रेट्स उन्होंने बेस रेट भी फिक्स कर दिया और उन्होंने उसके ऊपर जो स्प्रेड था वो भी फिक्स कर दिया फ़िक्स इस तरह से किया कि जो लोग ये फाइनेंसिंग लेना चाह रहे हैं उनके लिए इसमें बहुत ज़्यादा ईज हो उनकी ओवरऑल कॉस्ट कम हो अगेन द फाइनेंस कॉस्ट क्योंकि ऑब्वियसली जब फाइनेंस कॉस्ट कम होगी तो एवरीबडी वुड वॉन्ट टू हैव दिस ठीक हो गया तो उसमें किया क्या है स्टेट uh, बैंक ने कि नॉर्मली जो काइबर प्लस समथिंग होता है और वो प्लस समथिंग भी बैंक्स की आपस में जो कंपटीशन चल रहा होता है उसकी बेस पे वो डिटरमिन होता है uh -huh. तो इस केस में स्टेट uh, बैंक ने इसको रेगुलेट ऐसे कर दिया है कि देर इज अ टू परसेंट बेस रेट जो कि स्टेट बैंक का है uh -huh. जो इंटर yeah. के तौर पर काम करेगा और उसके ऊपर जो स्प्रेड है दैट इज मैक्सिमम अलाउेबल अप टू फोर परसेंट एंड दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट दिस इज नॉट अ मिनिमम और द यूजुअल अमाउंट, दिस इज द फोर परसेंट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट दैट इज अलाउड बाय द स्टेट बैंक इसके ऊपर एक बैंक की डिस्क्रिपेंसी होती है कि बैंक कैन बेस्ड ऑन देयर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद अ क्लाइंट वो इसको थोड़ा सा रिड्यूस भी कर सकते हैं ये 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 जो फोर परसेंट है ये वेरिएबल है इस हाँ, हम कर हाँ सकते थोड़ा सा वेरिएबल है ऑब्वियसली अगर आपकी हिस्ट्री नहीं है किसी बैंक के साथ तो बैंक वुड नॉट रियली निगोशिएट आपका अगर बहुत ज्यादा बिजनेस नहीं है बैंक के साथ तो इट वुड बी टफ टू निगोशिएट दिस रेट लेकिन जनरली दिस इज अगोशियेबल रेट सही 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 अच्छा अ अब सिंस इसके इतने ज़्यादा फायदे हैं तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं कि जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज में या इवन डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स में भी सोलर फाइनेंसिंग की अब के इस सारे सिनेरियो में इंपॉर्टेंस कितनी है और कितनी बड़ी है अच्छा इसमें ऐसे है कि सॉरी दिस वाज रिलेटेड टू द लास्ट क्वेश्चन एज वेल उसमें ऐसे है कि स्टेट बैंक ने जो पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है इसमें तीन कैटेगरीज आ जाती हैं ठीक है वो तीन कैटेगरी स्टेट बैंक ने डिफाइन कुछ इस तरह से की कि पहले कैटेगरी वन के आ, हैं कंज्यूमर्स जिनमें आपके आ जाते हैं दोज हु वांट टू डिप्लॉय वन मेगावाट टू फोर्टी मेगावाट्स ऑफ प्लांट ठीक है अब वन मेगावाट ऑब्वियसली कोई आ, अपने इस्तेमाल के लिए भी कर सकता है और अप टू फोर्टी परसेंट फोर्टी मेगावाट का मतलब ये है कि दिस कैन बी यूज बाई आई पी एज ठीक हो गया तो कैटेगरी वन में ये आ जाते हैं कैटेगरी टू में आपके आ जाते हैं वन मेगावाट से नीचे अप टू फोर किलो वॉट यानी कि बिटवीन फोर किलो वॉट्स एंड वन मेगावाट ये सेकेंड कैटेगरी में आ जाते हैं और थर्ड जो हैं वो बेसिकली जिस तरह हम डी एस ग्लोबल वेंडर हैं तो जो भी वेंडर्स हैं रीनबल एनर्जी के उनको ये अप्लिकेबल uh, है कि दे कैन ऑप्टेन द फाइनेंसिंग एंड देन फाइनेंस द प्रोजेक्ट ऑन देयर ओन तो ये तीन कैटेगरीज इसमें आ जाती हैं कैन यू रिपीट द क्वेश्चन क्वेश्चन यही था नहीं फाय उसमें बेसिकली ये था कि जो डोमेस्टिक है डोमेस्टिक क्लाइंट्स को भी इससे फायदा हो रहा है या सिर्फ इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंडस्ट्रियलिस्ट को ही इससे फायदा हो रहा है ठीक है अच्छा इसमें ये है कि फ़ायदा ये सबका है जिस तरह मैंने भी एक्सप्लेन किया तीन कैटेगरीज हैं तो फोर किलो अब नॉर्मली जिस तरह ऐसा हम लोग भी अप्लाई करते हैं तो डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यूजुअली ऑन एवरेज टेन किलो वॉट्स पर जाते हैं ठीक है आजकल की जो खपत है उसके हिसाब से टेन किलो वॉट्स इज अ प्र नॉर्मल रेंज तो 10 किलो वाट्स के प्रोजेक्ट्स तो अब चूंकि लोअर लिमिट 4 किलो वाट्स हैं तो आई गेस ये बिल्कुल एक बहुत छोटे घर से लेके 40 फोर्टी एक इंडस्ट्री बड़े लेवल पे जो आईपीपी के तौर पे काम कर रही है तो स्टेट बैंक ने बेसिकली किया ये है कि बहुत फैसिलिटेट कर दिया बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और मेरा ख्याल है फोर किलो वाट्स की भी मेन लाइन इसलिए रखी है क्योंकि उससे नीचे फाइनेंसिंग करना वो वैसे ही कॉस्ट बेनिफिट में अवैबल नहीं है तो इसमें यह है कि आपके जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको फ़ायदा ऑब्वियसली वो तो होता ही होता है क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो नॉर्मली इस प्रैक्टिस पे चल रही होती हैं उनको पता होता है कि जी उनकी वर्किंग कैपिटल की फाइनेंस चल रही हैं उनके वही प्लांट्स और बिल्डिंग्स uh, और इस तरह की कोई भी चीज़ जो वो परचेज़ uh, करना चाहें जिसका वो ओवर द लॉन्ग पीरियड पे करना चाहें और बेनिफिट फ़ौरन लेना चाहिए वो इस चीज़ को यूटिलाइज कर सकते हैं तो इस स्कीम के अंडर अब ये है कि आपके जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं जितने भी जो हाउस होल्ड हैं क्योंकि ऑब्वियसली एनर्जी कॉस्ट तो सबके लिए सिमिलर uh, है रेट्स uh, वेरी करते हैं लेकिन ऑब्वियसली एक घर uh, बंदा जो घर का अपना बिजली का बिल पे कर रहा है उसके लिए भी वो कॉस्टली है और जो एक इंडस्ट्री पे कर रही है फॉर रनिंग इट्स प्लांट्स एंड फैक्ट्रीज उसके लिए भी कॉस्टली है तो उसमें आप ये जो फोर किलो वॉट की लोअर लिमिट है इसमें बहुत सारे डोमेस्टिक कस्टमर्स uh, जो हैं आपके हाउस होल्ड के यूजर्स वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं तो इस आ, स्कीम से हमारे भी काफ़ी कस्टमर्स फ़ायदा उठा चुके हैं अब तक और बाकी भी जितने लोग जो चाहते हैं कि वो मूव ऑन करें टू रीन्यूबल एनर्जी उनको इससे बहुत फ़ायदा हो सकता है स्टेट uh, बैंक की स्कीम थी तो ऑबियसली दिस वॉज रेगुलेटेड और सारे बैंक्स जो हैं दे वर ऑन बोर्ड विद दिस हमने डी एस ग्लोबल ने भी बहुत सारे बैंक्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स uh, किए हैं इंक्लूडिंग अल्फला एंड मिजान एंड जी एस बैंक और हमारे बहुत सारे कस्टमर्स आपने भी कुछ प्रोसेस किए थे बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं वो थ्रू दीज बैंक्स और इनकी ये जो फाइनेंसिंग uh, स्कीम्स हैं अंडर द स्टेट बैंक ग्रीन फाइनेंसिंग अम्ब्रेला उसके थ्रू ये चल रही हैं तो uh, सारे बैंक्स जो हैं वो अब इस वक्त स्ट्रीम हैं uh, शुरू में थोड़ा सा हमें आई गेस दो तीन साल पहले शायद ये इशू आता होगा कि बैंक्स को प्रॉपर ट्रैक डाउन करना कि कौन सा डिपार्टमेंट डील कर रहा है सोलर फाइनेंसिंग के साथ बैठना उनके डिपार्टमेंट्स के साथ डीलिंग करना डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स क्या हैं तो इस तरह की चीज़ें शायद दो तीन साल पहले मसला करती हूँ uh -huh. अब पिछले एक साल में जो मैंने देखा है ऑलमोस्ट सब बैंक्स को इसकी सारी जो है इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनके पास सारे प्रोसेस ऑलरेडी बने हुए हैं उनको पहले ही पता होता है कि जी उनकी है, उनके एलोकेशन मतलब क्या हैं उनके मतलब रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और वो किस हद तक किसी को कर सकते हैं और आ, वो सब कुछ स्ट्रीम हो चुका है एस ओ पीज डेवलप्ड हैं एंड दैट इज़ ऑल वर्किंग रियली फाइन चलें थैंक यू अच्छा इसमें एक और चीज़ है जो एज अ सेल्स एम्प्लॉय मैं काफ़ी सुनता हूँ और मुझे होता है कि लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या आप लोग फाइनेंसिंग देते हैं या क्या क्या कौन देता है तो वो उसमें बताएं कि जो लोन होता है वो हम लोग उनको लेके देते हैं या वो लोग लो खुद देते हैं क्लाइंट तो वो वो किस तरीके से इनिशिएट किस तरीके से होते हैं प्रोसीजर ठीक है अच्छा इसमें ऐसे है कि जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि हमारा जो जो भी कोई नॉर्मल लोन का प्रोसीजर है आपका गाड़ी की लीज़ है आपकी घर की लीज़ है आपकी कोई भी और लोन कंपनी ये बैंक्स ऑफ़र करते हैं आजकल आजकल तो इवन बल्कि मोबाइल फ़ोन तक भी, भी लीज़ शुरू हो गए हैं ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस तो इसमें ये है कि जो नॉर्मल लोन का या फाइनेंसिंग का प्रोसीजर होता है दैट इज़ बेसिकली बिटवीन बैंक एंड कंज्यूमर और वो कंज्यूमर बैंक के लिए कस्टमर के तौर पर होता है उस वक्त तो अब इसमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे अगर हम जाएँ तो वो ये है कि ये जो फाइनेंसिंग का केस है दैट इज़ बिटवीन द बैंक एंड द यूजर बेसिकली द क्लाइंट बेसिकली जिसने सोलर या कोई भी रिन्यूएबल प्लांट लगाना है अब उसमें होता ये है कि चूंकि हमारा काम है और ये स्कीम जो है और इसकी सारी जो वेयर है, अबाउट्स हैं ये हमसे डायरेक्टली लिंक्ड हैं हम ये करवा चुके हैं बहुत दफ़ा हम बहुत सारे कंज्यूमर्स को ये फैसिलिटी उनके साथ वर्किंग करके करवा चुके हैं तो उसकी वजह से हमें चीज़ों का आइडिया होता है हमें प्री प्लैंड हमारी चीज़ें होती हैं कि लेट से अगर हमारा कोई प्रोजेक्ट बुक हुआ है तो हमारे पास एक पूरी लिस्ट ऑन सारे डॉक्यूमेंट्स के रिक्वायरमेंट्स होंगी हमारे पास पूरी लिस्ट ऑन प्रोसीजर्स होंगे हमारे पास वही जिस तरह मैंने बताया कि बैंक्स के साथ हमारे प्रोसेस चल चुके हैं तो अक्सर हमें पता भी होता है कि हु इज द राइट पर्सन टू कॉल तो हम बेसिकली ये करते हैं कि इसमें हम क्लाइंट को फैसिलिटेट करते hmm. हैं डेफिनेटली क्योंकि एक चीज होती है आप नॉर्मल सेल करते हैं यू जस्ट गिव अप द प्रोडक्ट टू द कस्टमर एंड यू योर हैंड्स अप कि जी ये मैंने चीज आपको hmm. दे दिया इट्स योर रेस्पॉन्सिबिलिटी तो डी एस ग्लोबल ने जैसे हमेशा से वैल्यू वैल्यून बिल्कुल एक वैल्यू एडिशन क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन और प्लस डूइंग समिंग अबिट मोर ठीक है उस पर हमने फोकस किया है तो हम उसमें यह करते हैं कि जिस भी क्लाइंट को रिक्वायरमेंट uh, हो टू अपटेन फाइनेंसिंग बेस्ड ऑन रिल्यूबल एनर्जी तो हम उनको पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं बिकॉज वी हैव एक्सपीरियंस और हमें पता होता है कि इसको कैसे लेके चलना है जस्ट सो द कंज्यूमर इज नॉट कन्फ्यूज और उनको फॉर एग्जाम्पल कोई डोमेस्टिक कंज्यूमर है जिसने कभी कोई लीज़ नहीं की oh. तो उनको नॉर्मल प्रोसीजर का आइडिया नहीं होगा तो उसमें हम ये करते हैं कि हम उनको हंड्रेड परसेंट फेसिलिटेट करते हैं और ये बेसिकली सारा जो है बिटवीन बैंक एंड कंज्यूमर होता है थ्रू अस थ्रू अस अच्छा इसमें डिलेज आते हैं कभी फाइनेंसिंग में अगर आते हैं तो किस वजह से आते हैं अच्छा फाइनेंसिंग में डिलेज इस तरह से आते हैं कि नॉर्मल प्रोसीजर जो है लीज़ का वो इस तरह से होता है कि यू अप्लाई फॉर अ लीज यू अप्लाई फॉर अ लोन और उसका एक पूरा केस डेवलप होता है जो बैंक ने चूंकि एक बंदे को लोन देना है उसको पैसे देने हैं तो उनका एक प्रोसीजर है जिसमें वो ये देखेंगे कि वेदर इट इज़ वाइबल टू तो द बैंक और oh. नॉट वेदर इट इज़ अ रिस्की इन्वेस्टमेंट और इट इज़ नॉट तो उसका एक पूरा प्रोसीजर होता है जिसमें ये है कि फॉर एग्जांपल फॉर एन इंडिविजुअल दे विल सी योर इनकम स्ट्रीम्स दे विल सी योर एसेट्स और कंपनीज के केस में भी ऐसे होता है वो बस थोड़ा एक बिगर पिक्चर चली जाती है उस पर कंपनी uh, की जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं उनमें प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल आ जाती हैं उसके अलावा आपकी जो कंपनीज uh, की ओबियसली ऑडिटेड स्टेटमेंट्स होती हैं वो आ जाती हैं तो बेस्ड ऑन इंडिविजुअल या कंपनी डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स वेरी करती हैं अब बैंक का जो नॉर्मल प्रोसीजर है कोई भी कंपनी कोई भी इंडिविजुअल वो जाता है लोन लेने तो उसका एक पूरा केस तैयार होता है उसमें उनकी असेसमेंट होती है इनकम स्ट्रीम्स की असेसमेंट होती है एसेट्स की ओवर द पीरियड इज़ दिस पर्सन रियली बी एबल टू रीपे द लोन और उसके अलावा ये है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इनकम स्ट्रीम बहरहाल आपको कुछ भी अनहोनी हो सकती uh -huh. है तो अगर आपकी इनकम स्ट्रीम थोड़ी सी लिमिटेड है तो वेदर देर आर सफिशेंट एसेट्स अवेलेबल टू कवर दैट तो इस तरह की चीज़ें जो नॉर्मल एक लोन में अप्लाई होती हैं तो उसका एक वो केस रेडी होता है अब वो केस जब रेडी हो जाता uh -huh. है तो दैट इज़ ऑन अ वेरी सुपरफिशल लेवल उसके बाद वो जाता है हर बैंक का एक कैट uh, डिपार्टमेंट होता है विच इज़ द रिस्क डिपार्टमेंट वो बेसिकली एनालाइज़ करते हैं इस हर चीज़ को और उनके अपने डेवलप्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं डेवलप्ड एस होती हैं डिवेल्प पॉलिसीज होती हैं और वो देखते हैं कि किस प्रोफाइल का क्लाइंट है और उसको हम किस तरह से लेके चलना चाहेंगे तो उस पर पूरी असेसमेंट होती है और कोई भी हेकअप जो आता है वो मैक्सिमम इस स्टेज तक आता है उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन मिसिंग हो सकती है oh. उसमें कोई इनसफिशेंट इन्फॉमेसन हो सकती है कि फॉर एग्जाम्पल द पर्सन वॉज नॉट कम्युनिकेटेड हाउ मच इन्फॉर्मेशन ही वॉज लाइबल टू शेयर तो बैंक कैन रिक्वेस्ट अ लिटिल बिट मोर ठीक है जस्ट टू सेटिसफाई देयर ओन पॉलिसीज और उस केस में यहाँ पे थोड़ा बहुत डिले कभी कभी आ जाता है वो भी यूजुअल नहीं है और अगर आपकी बैंकिंग हिस्ट्री किसी बैंक के साथ हो अब ऑब्वियसली आजकल पूरा पाकिस्तान इज़ मूविंग टूवर्ड्स फ्यूचर हाँ विद बैंक विद बैंकिंग ठीक है जी तो इलेक्ट्रॉनिक सारी ट्रांजेक्शन अब आई गेस क्रेडिट कार्डस भी बहुत कॉमन हो गए हैं अब हमारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन भी बहुत कॉमन हो गई हैं तो इस सिनेरियो में होता ही है कि हर बंदे की एक हिस्ट्री होती है बैंक के साथ प्लस और कुछ नहीं तो आपको एक बैंक की जो मैनेजर्स होते हैं उनके साथ हर बंदे की हेलो हाई होती है यू आर डूइंग अ लॉट इन द बैंक्स तो वो एक हिस्ट्री आजकल स्टैंडर्ड एक बनी हुई है फॉर एग्जांपल अब जो मैंने डिस्कशन की थी सम डोमेस्टिक कस्टमर्स माइट थिंक के जी ये तो मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए तो उसमें मुश्किल ऐसे कुछ नहीं होता बेसिकली एक हिस्ट्री रिक्वायरमेंट होती है तो जिस तरह यह हिस्ट्री uh, आपकी एक बैंक स्टेटमेंट के तौर पे किसी बैंक के पास पड़ी होती है और वो उनको रिव्यू uh, करके ये देख सकते हैं सिंपली कि हमारे साथ इनका रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म है और बैंक ऑब्वियसली वी आर बींग मी माई सेल्फ एज एन इंडिविजुअल कोई भी और कस्टमर कोई कंपनी तो वो चूँकि बैंक के लिए कस्टमर होते हैं तो वो ऑब्वियसली बेनिफिट ऑफ द डाउट हमेशा कस्टमर तो को देते हैं तो ये है कि इस तरह से वो एक छोटा सा जो है प्रोसेस में डिले पॉसिबल है लेकिन यूजुअली चूंकि जिस तरह मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि बहुत टाइम हो चुका है इसको अब प्रोसेस बहुत स्टैंडर्डाइज हो चुके हुए हैं हर बैंक को पता है कि ये चीज़ क्या है वट इज़ ग्रीन फाइनेंसिंग उनके प्रॉपर डिपार्टमेंट्स इस्टेबलिश्ड हैं और वो इस पर काम कर चुके हैं तो इसलिए अब इसमें डिलेज़ नहीं आते क्योंकि एवरीथिंग इज़ क्लियर क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए ये बैंक्स को पहले ही पता होता चल ठीक हो गई चलिए आमिर साहब थैंक यू वेरी मच काफ़ी आपने ऐसी कन्फ्यूजन आज हम लोगों की दूर की जो कई लोगों की है रिगार्डिंग बैंक फाइनेंसिंग एंड पे मैं आपसे सिर्फ रेटिंग पूछूंगा टेन आउट ऑफ कितने आप देते हैं इस सारी स्कीम को इस स्कीम को आई वुड अ नाइन पॉइंट फाइव नाइन क्योंकि मैं बींग फाइनेंस मैनेजर आई सीन काइबर एंड द स्प्रेड रेट्स गो वेरी वेरिएबल ओवर द ईयर्स लास्ट uh, पाँच सालों में पाँच uh, साल तो नहीं खैर चलें दो साल से पहले काइबर रेट काफ़ी अच्छा होता था और uh, उस वक्त अगर कोई बंदा लीज या किसी चीज़ की तरफ जाता था तो, तो, तो दैट वाज वेरी कॉस्टली तो चूँकि स्कीम उस वक्त इंट्रोड्यूस हुई थी तो आई वुड जज इट बेस्ड ऑन तो दैट आजकल काइबर ऑब्वियसली डाउन है लेकिन अगर मैं उस परस्पेक्टिव से देखूँ तो फिक्सिंग द रिन्यूएबल रेट टू सिक्स परसेंट अ वेरी गुड स्टेप क्योंकि पाकिस्तान में उस वक्त एनर्जी डेफिसिट भी बहुत था क्राइसिस भी बहुत था प्लस एक इन्वायरमेंटल uh, एस्पेक्ट भी इसमें आ जाता है कि फ्यूल uh, और uh, इसी तरह आपके जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं पेरिशेबल रिसोर्स हैं जिनसे आप एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तो वो ऑब्वियसली इन्वायरमेंट को भी बहुत नुकसान देते हैं तो ये इनिशिएटिव बहुत टर्नफोल्ड uh, अच्छा था इस तरह से कि इन्वायरमेंट के लिए भी ये पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएगा ये आपके लोगों के लिए ईज आउट भी करेगा टू मूव टूवर्ड्स रीन्यूबल एनर्जी और उसके अलावा ऑब्वियसली ये आपकी एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी बैलेंस आउट चलिए। थैंक यू जी तो दिस वाज इट आज के एपिसोड के लिए यही था मैं मुझे लगता है कि जितने भी हम लोगों के सारे क्वेश्चंस सो, थे सोलर फाइनेंसिंग के वो सारे सॉल्व हो चुके होंगे इन अगले हफ्ते हम आएंगे एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ टिल दैन अला हाफि